इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिन्हो और जिन्हो को, जो कि अब वो जगह में फंस चुके होते हैं। और जिन्हो समझ जाता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये लोग लिजार्ड है। जिन्हो को फिर अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है। उसने इसे कहा था कि लिजार्ड जैसे लोग तुम्हें वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे। हंटिंग एक डेंजरस बिजनेस है जहाँ पे एक्सीडेंट होते रहती है, और जो भी डंजन के अंदर होता है वो कभी भी पब्लिक में बाहर नहीं आता, तो यहाँ पे क्राइम करना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे बाहर की तरह सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, जिस वजह से हंटर्स को यहाँ पे क्राइम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कमजोर हो तो वो लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। अगर लगता है कि तुम ताकतवर हो तो वो तुमसे लड़ेंगे। अगर ऐसा लगता है कि तुम उनके रास्ते में आ रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे कि लिजार्ड अपने पूंछ के काट के भाग जाता है। तो मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि सावधान रहना, खासकर कि जब तुम वीक हो। वह जिन्हों यहाँ पे जिन्हों को कह रहा होता है कि अब हम क्या करें जिन्हों, उन्होंने एंट्रेंस बंद कर दिया है, वो बस हमें मारना चाहते हैं, बस कुछ मानक क्रिस्टल्स की वजह से। पर वह जिन्हों सोच रहा होता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने ऑलरेडी हमें अपने ट्रैप में फंसा लिया है। अगर हमने बाहर निकलने भी कोशिश की तो वो लोग हमें ऐसे भी मार देंगे। तो अब मैं समझा उसका मतलब क्या था, उस बंदे का नाम क्या था, जो कि वन, वो एक सी रैंक का मैजिशियन है जो कि लाइट को कंट्रोल करता है। उसने इस जगह को अच्छे से ब्लॉक कर दिया है, पर असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम जो एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ है, उससे वो स्पाइडर जाग चुका है। वही हमें डेंजुंग गेट के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ पे डोंगसुक का साथी उसे कह रहा होता है कि हमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला, वो लोग जल्दी ही मारे जाएंगे, हम थोड़ा आराम करके हमें वापिस चलना चाहिए। पर डोंगसुक आखिरकार इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत थी, हम चाहे तो उन्हें खुद से मार सकते थे। तो डोंगसुक उसे कहता है कि बेवकूफ, अगर हम उनसे वहाँ पे लड़ते तो वो स्पाइडर जाग जाता, तो बताओ आखिरकार हम माना क्रिस्टल को वहाँ से कैसे माइन करते। पर तुम्हें क्या लगता है, एक ई रैंक का वीकलिंग, जिसे ह्यूमन काइंड का सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है, और एक डी रैंक का हंटर जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है बैटलिंग का, वो दोनों इस डेंजुंग के बॉस को हरा पाएंगे? हमारा प्लान ये है कि जब तक वो स्पाइडर उन्हें मार के खा नहीं जाता और सो नहीं जाता, तब तक हम यहीं पे रहेंगे, जिसके बाद हम जाके क्रिस्टल्स को माइन कर लेंगे। पर अगर ये प्लान काम नहीं करता तो हमें खुद से बॉस को हराना पड़ेगा। और तुमने जिन्हो के इक्विपमेंट देखे, उसके इक्विपमेंट की कीमत मिलियंस में होगी। अगर हम वहां से माना क्रिस्टल को निकालने में नाकामयाब हुए तो मैं ये श्योर करूंगा कि उसके इक्विपमेंट में अपने साथ ले आऊं। पर कम से कम मुझे ये तो देखने दो कि आखिरकार वो किस वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। हमें कम से कम उसे एक फ्यूनरल देना चाहिए। योवान इसे फिर कहता है कि पत्थरों के गिरने की वजह से वो स्पाइडर जाग चुका होगा, इसका मतलब वो जल्दी ही मारे जाने वाले है। उतने में यहाँ पे डोंगसुक से पूछता है कि योवान तुम्हें क्या लगता है, उस बॉस को क्या तुम अकेले हरा सकते हो? ये कहता है ये इम्पॉसिबल है। ये कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि उन्हें बॉस ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो चाहे जो हो जाए, उन जैसे लो रैंकिंग हंटर्स उस जगह से जिंदा वापस नहीं आ सकते। वहीं पे मैं डंजन के अंदर दिखा जाता है, जहाँ पे जिन्हो इसे कहता है कि जिन्हो मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर जिन्हो सोच रहा होता है कि इसकी अनगिनत आंखें है, एक बड़ा सा मुंह है, और इसके जो पांव है वो एक घर जितने बड़े है, जहां तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये बॉस एकदम डिफरेंट लेवल में है, पर ये उतना भी डिफरेंट नहीं है जिससे मैं लड़ चुका हूँ। जिसके बाद जिन्हो इसे कहता है कि मेरे पीछे रहो जिन्हो, ये मेरा है। पर जिन्हो इसे कहता है कि आखिरकार तुम करने क्या जा रहे हो? ये कहता है कि मैं उसे डिफीट करने जा रहा हूँ। जिन्हो सोचता है कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, और ये इसे कहता है कि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें कम से कम बी रैंक या फिर सी रैंक का हंटर होना चाहिए, या फिर कम से कम सी रैंक का हंटर, ताकि तुम उसे हरा पाओ। तो मैं उसे लड़ने की जगह यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाना चाहिए। पर जिन्हो सोच रहा होता है कि मुझे पता है मैं अभी भी वीक हूँ रीवर्गन होने के बावजूद, पर पता नहीं क्यों मैं होपलेस महसूस नहीं कर रहा हूँ। उस ब्लू वेनम फैंग कासाका से जब मैं लड़ा था उस डंजन में, वो कम से कम ई रैंक का डंजन का बॉस होगा, और वो गोलम जो कि डी रैंक या फिर उससे लोअर का था, मुझे पता है कि उन दोनों से ये काफी ज्यादा ताकतवर बॉस है। पर पता नहीं क्यों इसे देखने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही, इसका मतलब मैं ताकतवर बन चुका हूँ। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्हो अभी 18th लेवल पे, अगर वो कोशिश करे तो वो सी रैंक के बॉस को हरा सकता है। वही जिन्हो इसे मना कर रहा होता है उसे लड़ने के लिए, पर वो जिन्हो को लड़ते हुए जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। और वही दूसरी ओर जिन्हो का जो अटैक है वो स्पाइडर पे काम कर चुका होता है, और ये कहता है कि अभी तो असली हंटिंग शुरू हुई है। पर ये सब देख के जिन्हो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वो सचमुच एक ई रैंक का हंटर है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे याद है कि एसोसिएशन में इसकी जो रजिस्ट्री है वो एक ई रैंक की है। आखिरकार ये इतनी तेज कैसे मूव कर सकता है? कहीं ये एक फॉल्स रैंकर तो नहीं है? वैसे तो काफी कम ही हंटर्स होते हैं जो कि अपने मैजिक पे कंट्रोल कर पाते हैं, पर जो कर पाते हैं वो कभी कभी अपने हिसाब से अपनी रैंकिंग को कम कर लेते हैं, और उन्हें फॉल्स रैंकर कहा जाता है। पर प्रॉब्लम इसमें है कि फॉल्स रैंकर जो है वो साइकोपैथ्स होते हैं, जो मर्डर करते हैं सिर्फ मजे के लिए। और इस बात को समझते ही जिन्हों यहाँ पे आने के डिसीजन को लेकर काफी पछता रहा होता है। वहीं पे हमें
जिन वो को दिखाया जाता है, जो कि करीब 10-15 मिनट से इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और ये अब काफी थक चुका होता है और इसकी एनर्जी भी कम हो रही होती है, साथ ही साथ इसकी फिटगी भी अब बढ़ रही होती है, क्योंकि जितनी इसकी फिटगी बढ़ेगी उतना ही कमजोर बनता जाएगा और ये अपने ऊपर इस चीज को हावी होने नहीं देना चाहता। और अगर इस मॉन्स्टर से इसे जीतना है तो इसे अपने डैगर की एबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। और ये ऐसे ही करता है कि अपने डैगर की एबिलिटीज को एक्टिव करके इस मॉन्स्टर के सर के ऊपर वार करने के लिए चले जाता है, पर वो मॉन्स्टर तभी इसके ऊपर लिक्विड फेंक देता है जो कि एसिड होता है और ये सब मर जाता है, ये इसका ट्रम्प कार्ड था। पर अब जिनवो को इसके एसिड से भी बचना पड़ेगा, जिस वजह से जिनवो अपनी स्पीड को 30% बढ़ा लेता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर जिनवो को पता होता है अगर इस मॉन्स्टर ने इसके ऊपर एक बार भी हमला कर दिया तो ये मारा जा सकता है, पर फिर भी अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होता है। वही भी इसकी जो फिटिंग हुई है वो भी बढ़ रही होती है, जिसका मतलब ये कमजोर पे कमजोर पड़ता जा रहा होता है और साथ ही साथ इसकी जो एनर्जी है वो खत्म होती जा रही होती है। पर फिर भी जिन वो हार नहीं मानता, पर तभी ये मॉन्स्टर इसके ऊपर एक और बार हमला कर देता है जिससे ये नीचे गिर जाता है। फिर से अपने वो पास्ट के पल याद आते हैं जहाँ पे कितने मुश्किल सिचुएशन से गुजर चुका है, तो ये अपने स्टेटस रिकवरी को यूज करके इसके सर के ऊपर वार कर देता है। साथ ही में वो अपने डैगर की सारी एबिलिटीज को एक्टिव कर देता है और अपनी स्पीड को भी बढ़ा लेता है, जिससे ये इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद इसका लेवल अप होने लग जाता है। पर जिनवो खुश होता है क्योंकि उसने अपने डेली क्विज के रिवॉर्ड को इसे मारने में वेस्ट नहीं किया। पर इसे देख के जिनवो सोचता है क्या वो सचमुच एक फॉल्स रैंकर है और इसने अभी अभी एक बॉस को हरा दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक फॉल्स रैंकर है। जिसके बाद ये इसे तमीज से बात करते हुए कहता है कि सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके सारे ऐसे स्टोन को उठा लेता हूँ और आप ये पानी पीजिए। यहाँ पे जिनवो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इसे सर क्यों बोल रहा है, पर यहाँ पे इसी का भला होता है और यहाँ पे पानी पीने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और दूसरी ओर से वो सब हंटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे बॉस को इन्होंने हरा दिया, साथ ही साथ ये लोग अभी जिंदा भी है। डोंगसुक को लगता है कि यहाँ पे जिनवो ने उस मॉन्स्टर को हराया होगा क्योंकि उसके इक्विपमेंट में शायद स्पेशल एबिलिटी है, तो यहाँ पे उसे कहता है कि जिनवो तुम चाहो तो हमारे पार्टी में शामिल हो सकते हो, तुम्हारे पिता योजन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन है यो मिंगहान, वो तुम्हारे पिता है ना। ये कहता है कि हाँ, तो फिर क्या हुआ। ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम एक बिजनेस टाइकून की बेटी होंगी, तो मैं तुम्हारे फादर से कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, सुंग जिनवो को मार दो, ये करने से ही तुम सरवाइव कर पाओगे, वरना हम तुम दोनों को ही मार देंगे। अब तुम वेट किसका कर रहे हो, अगर हम लोगों ने तुम्हें मार दिया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, या फिर तुम्हें डर लग रहा है एक ही रैंकर से। जिनवो जिनवो की तरफ देखता है तो जिनवो से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे धोखा देने वाले हो क्योंकि मैं वीक हूँ। पर जिनवो यहाँ पे जिनवो का साथ देने का फैसला करता है तो डोंगसुक अपने साथियों को इन दोनों को मारने के लिए कहता है और ये सब अब इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर तभी जिनवो के आंखों के सामने वो सिस्टम अपियर हो जाता है जो कि इसे बताता है कि तुम्हारे सामने 8 एनिमीज है और तुम्हें उनको मारना है, अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो तुम्हें पेनल्टी मिल सकती है। जिनवो को कुछ समझ नहीं आता, उतने में वो मैजिशियन इसके ऊपर हमला कर देता है और जिनवो दूर जाके गिरता है। जिनवो फिर सोचता है कि आखिरकार मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये जगह सर्वाइवल के प्रिंसिपल के ऊपर बनी हुई है, मैं अब तक बिल्कुल भी सीधे नहीं सोच पा रहा था, समय समय पर मैं डिफरेंट डेंजोंग में लड़ाई करने के लिए जाता रहता था और लाइफ और डेथ की सिचुएशन तो मेरे लिए नॉर्मल थी, पर मैं रिकवर कर जाता था और उसके बाद मैं दोबारा से डेंजोंग के अंदर एंटर कर जाता था। मैं अब तक सिर्फ मिस्टेक कर रहा था ये सोच के कि ये डेंजोंग सेफ है, ये सिस्टम मुझे फोर्स कर रहा है उन्हें मारने के लिए, अगर मैं उन्हें नहीं मारा तो मैं मारा जाऊंगा और चीजें सिस्टम के लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ना ही कोई अच्छाई के लिए करेगा। इस सिस्टम को मेरी जरूरत है, इसे सुंग जिनवो की जरूरत है ताकि वो ताकतवर बन सके, ये सिस्टम मुझे ताकतवर नहीं बना रहा, इस सिस्टम को मेरा एक बेहतर रूप चाहिए। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है और मैं इस सिस्टम को यूज करूंगा। और वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना बड़ा हमला झेलने के बावजूद जिनवो अब तक जिंदा कैसे है। जिनवो फिर इन्हें कहता है अगर तुम दूसरे लोगों के जिंदगियों के साथ खेल रहे हो तो तुम अपने अंजाम के लिए भी तैयार होंगे, पर इन लोगों को इसकी बात समझ नहीं आ रही होती है। तो जिनवो कहता है तुम अपने आप को हंटर्स कहते हो ना, पर क्या तुम खुद हंट होने के लिए तैयार हो क्या। उतने में डोंगसुक का एक साथी से कहता है कि मैं इसे संभालूंगा और वह जिनवो के गर्दन पे हाथ रखते हुए कहता है कि लड़के लगता है तुम किस सिचुएशन में हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। पर जिनवो इसका गला काट देता है और ये यहीं पे मारा जाता है, जो देख के सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और डोंगसुक सोचता है कि आखिरकार उसके पास वो डैगर कैसे आया और उसने उस डी रैंक के हंटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। वह जिनवो सोच रहा होता है कि मैंने अभी अभी एक इंसान को मारा, मैं सिस्टम के ऑर्डर से इंसानों को मारे जा रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ पे जिनवो अपने पुराने पास की जितनी भी उसे धोखे मिले होते हैं वो सारी याद करने लग जाता है, जिससे वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है।
वहीं पर डोंगसू का एक साथी इसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर जिन वो उसके काफी सारे टुकड़े कर देता है। इसके बाद तीन साथी और इसके ऊपर हमला करते हैं, पर जिन वो उन्हें भी मार गिराता है और कहता है कि अगर तुम अपने आप को हंटर्स कहते हो तो मुझे हंट करके दिखाओ, क्योंकि हंटर्स पैदा ही हंट करने के लिए होते हैं। पर जिन वो के ऊपर और तीन हंटर्स हमला करते हैं, पर जिन वो अपने डैगर के इफेक्ट का यूज करके उन तीनों को ही मार गिराता है, और ऐसे करते हुए डोंगसू के सारे साथी मारे जाते हैं, जिससे डोंगसू घबरा जाता है और कहता है कि बास्टर्ड, अब तक तुम अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे थे, इसका मतलब उस डेंजुंग के बॉस को तुमने ही हराया है, पर तुम्हें क्या लगता है उन लोगों को तुमने अगर मार दिया तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सी रैंक हंटर कैसा होता है, और ये अपनी पावर को एनहांस कर लेता है और इसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। दरअसल डोंगसू सोच रहा होता है कि इन सबसे लड़ाई करते हुए जिन वो काफी थक चुका होगा, इस वजह से वो अपने डैगर को ठीक से नहीं चला पाएगा, साथ ही साथ उस डैगर की मदद से इसके शील्ड को नहीं भेज सकता। पर जिन वो इसके पास आते हुए कहता है कि डोंगसू तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें अभी भी एक चीज नहीं पता है कि मैं तीन गुना तेजी से लेवल अप कर रहा हूँ, और ये डोंगसू को जमीन के नीचे पटक देता है। यहाँ डोंगसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे है, पर जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है ये एक फॉल्स रैंकर है। ये फिर से कहता है कि मुझे मारो मत, मेरी जान छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। पर जिन वो इसे कहता है कि तुमने तीन बार मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो अपनी जान की। पर डोंगसू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम आसानी से यहाँ से बच के निकल जाओगे। जिन वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि जो कुछ भी डेंजुंग के अंदर रहता है वो हमेशा डेंजुंग के अंदर ही रह जाता है। ये कहता है कि तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है, पर इससे पहले ही अपनी बात पूरी कर पाता जिन वो इसकी गर्दन उड़ा देता है। ये फिर सोचता है कि मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, पर मुझे लगता है ये कपड़े दोबारा से मुझे कभी फिट नहीं होंगे क्योंकि मेरी साइज बढ़ चुकी है। वहीं पे जिन वो यहाँ पे उल्टे कर रहा होता है ये सारी चीजें देख के। जिन वो फिर से कहता है कि हमने बॉस को हरा दिया है और जल्दी ये जगह तबाह होने वाली है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं पे हमें वॉशिंगटन यूएसए के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते एक आदमी अभी उठा होता है जो कि कहता है आज कितनी बेहतरीन सुबह है, कोरिया में कैसा मौसम होगा, आज मुझे काफी अजीब सपना आया, पता नहीं वो किस तरह का सपना था पर मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। वहीं पे हमें कोरिया के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर वू जिन चुल को, जहाँ पे उनका जूनियर उसे बता रहा होता है कि आपको रीसेंट इंसिडेंट जो हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ करीब 8 हंटर्स मारे गए सी रैंक के डेंजुंग के रेड में, सिर्फ वहाँ से 2 ही सर्वाइवर्स बाहर निकले हैं, डी रैंक का हंटर और ई रैंक का हंटर। जिन चुल कहता है ये तो नॉर्मल बात है, इसमें नई बात क्या है। ये कहता है दरअसल वो लोग वहाँ से भाग के नहीं आए, उन्होंने डेंजुंग को क्लियर किया है। डी रैंक का हंटर यो जिन हो, उसने काफी एक्सपेंसिव आर्मर पहन रखा था, मुझे लगता है उसने उस डेंजुंग के बॉस को हराया होगा, पर ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि बॉस एक जायंट ऑर्ची स्पीसीज का था और बाकी जितने भी हंटर्स थे वो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। जिनचुल कहता है कि बात घुमाना बंद करो, सीधे पॉइंट पे आओ, तुम मेरे पास नहीं आते अगर तुम उसके ऊपर सस्पिशियस हो और तुम उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते। ये कहता है जो दूसरा सर्वाइवर है वो सुंग जिन वो है, जो कि डबल डेंजुंग में हमें मिला था। जिनचुल कहता है कि इसमें थोड़ा फिशी तो लग रहा है, पर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी माना मीटर से उसकी सारी टेस्टिंग कर चुकी है और उसने डबल अवेकन नहीं किया है, और तुम्हें पता ही होगा कि रीअवेकनिंग एक कॉमन चीज नहीं है जो हर बार होती रहे, इसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं और इतना काफी है। ये कहता है कि मैं भी इस चीज को इग्नोर करना चाहता हूँ, पर उन 8 हंटर्स में से जो एक हंटर मरा है वो हांग डोंगसुक है। ये कहता है कि हांग डोंगसुक हंटर हांग डोंगसुक का बड़ा भाई। ये कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं पे हमें जिन वो और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन वो आज फ्राइड चिकन लाया होता है। ये देख के इसकी बहन इसे पूछती है क्या कुछ अच्छा हुआ। ये कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि अच्छा है या बुरा। ये फिर इसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्टिंगी रहती हो नॉर्मल टाइम में, पर तुम्हें क्या हो गया है। वहीं पे जिन वो सोच रहा होता है कि मैं ड्रंक होना चाहता हूँ पर मैं हो नहीं पा रहा हूँ। दरअसल डबल डेंजुंग के इंसिडेंट के बाद जब जिन वो उठा तो सिस्टम ने उसे काफी सारे अलग अलग रिवॉर्ड दिए, उसमें से एक था कि ये कोई सभी जहर पी ले इसे कुछ भी नहीं होने वाला, साथ ही साथ इसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज भी थी, कोई सभी पोजिशन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, काफी अलग अलग चीजें भी थी इसके ऊपर, ऊपर से ये रिकवर भी कर सकता है आराम से। ये फिर अपने एबिलिटीज को चेक करने के लिए अपने रूम के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो जहर की पुटली को निकाल लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है, पर जल्दी इसका सिस्टम इसे डिटॉक्सिफाइड कर देता है और ये सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मुझे लगा ही था। तभी इसकी बहन इसे कहती है कि जिन वो क्या तुम किसी जिन हो नाम के लड़के को जानते हो, वो तुम्हें फोन पे बुला रहा है। इसके बाद हमें एक कैफे के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ जिन वो जिन हो से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे जिन वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये कहता है कि मैं एसोसिएशन में किसी को जानता हूँ, आपको कॉफी चाहिए क्या। ये कहता है कि नहीं मैं बढ़िया हूँ, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं दोबारा से तुम्हें देखूंगा। ये कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है। जिन वो फिर से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जितने भी ऐसे स्टोन थे वो मुझे दे दिए, जिस वजह से मैंने काफी सारे पैसे कमाए हैं और तुम्हारे मुंह बंद रखने की वजह से मैं अब तक किसी प्रॉब्लम में भी नहीं गया हूँ। ये कहता है कि इसमें उन लोगों की गलती थी, वो पहले हमें मारना चाहते थे, मेरे पास भी हंटर की प्राइड है तो इसी वजह से मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता था, और आखिर में तो वो एक हंटर्स
के बीच की ही बैटल थी। जिन्हो फिर यहाँ सोचने लग जाता है ये पर्सन एक फॉल्स रैंकर है, साथ ही साथ दूसरों को मारना इसे काफी अच्छा लगता है। नॉर्मल हालातों में तो मैं इसके करीब कभी भी नहीं आता। पर जिन्हो फिर से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। ये कहता है कि दरअसल मैं एक प्राइवेट स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता हूँ, पर जिन्हो इस चीज के लिए मना कर देता है। तो ये कहता है कि मैंने तो अपना बोलना भी फिनिश नहीं किया अब तक। ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम एक स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं उसे ज्वाइन करूँ, इसी वजह से तुम मुझे मिलना चाहते थे। पर मैं किसी भी रिच बॉय के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जो कि हंटिंग को एक हॉबी की तरह लेता है। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहता है कि बस 19 बार मेरे साथ चलिए। ये कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ डेंजुंग में चलूं। ये कहता है कि हाँ, मैं आपको जो चाहे वो दे सकता हूँ। ये कहता है कि लगता है तुमने अब तक कुछ भी नहीं सीखा लास्ट टाइम से। हंटर्स मैजिक बीच के साथ किसी भी इंसान को मार सकते हैं, रेड काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट गेम नहीं है। और फिर भी तुम एक स्ट्राइक स्क्वाड बना के डेंजुंग में लड़ना चाहते हो, इतनी सारी चीजों से गुजरने के बावजूद तुम आखिरकार ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। पर रुको, कहीं तुम गिल्ड मास्टर तो बनने की नहीं सोच रहे? ये कहता है कि बिल्कुल सही। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। तो ये कहता है कि सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, जैसा कि आपने कहा गिल्ड मास्टर बनने के लिए मुझे लाइसेंस की जरूरत होगी, पर गिल्ड मास्टर का लाइसेंस लेना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक हंटर को सिर्फ 20 रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक रेड में मैं आपके साथ पहले ही जा चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ 19 रेड में और जाना है। वैसे तो एक रिटर्न टेस्ट भी है, पर मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं उसे आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने फादर की कंपनी को टेक ओवर करना है। तो जिन्हो कहता है कि हाँ, तुम तो योजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे हो। ये कहता है कि हाँ, दरअसल इसी रीजंस की वजह से मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी का ही एक प्लान है, मेरे फादर एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। ये कहता है कि योजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड बनाना चाहता है। दरअसल डेंजुंग में काफी अलग अलग चीजें मिलती है, जैसे कि एसेंस स्टोन, माना स्टोन, ट्रेजर्स और भी काफी सारी यूजफुल चीजें, जिस वजह से यूगो कॉर्पोरेशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। जिन्हो फिर से कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि हंटर जिसे कंपनी एम्प्लॉय की तरह रखेगी वो डेंजुंग में जाएंगे और जो भी चीजें वहां से वो लाएंगे यहां पे कंपनी उस प्रॉफिट को ले लेगी। इसका मतलब तुम्हारे फादर की कंपनी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये कहता है कि हाँ, मेरे फादर एक एस रैंक के हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे ओल्डर ब्रदर वहाँ पे सेकंड कमांड होगा, जिस वजह से वो गिल्ड को कंपनी की तरह चला पाएंगे। जिन्हो कहता है अगर तुम्हारा बड़ा भाई सेकंड कमांड भी बन गया तो भी गिल्ड मास्टर के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, जिस वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा। ये कहता है कि मुझे पता है मेरा बड़ा भाई कॉम्पिटिटिव है, पर जब तक वो अवेकन नहीं कर लेता तब तक वो गिल्ड मास्टर की पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता। जिन्हो कहता है कि तुम लो रैंकिंग हो और काफी यंग हो, जिस वजह से तुम्हारे पास रेडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और इस प्लान में तुम बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हो, तो क्या तुम कुछ रिजल्ट को ला के अपने फादर को कन्विंस करना चाहते हो? ये कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो भी आपका सीक्रेट है वो मैं मरते दम तक किसी को भी नहीं बताऊंगा। आपको एक स्क्वाड चाहिए ताकि आप रेड पे जा सको, और मेरे पास भी एक स्क्वाड है जो कि रेड पे जाना चाहती है। अगर आप दूसरे स्क्वाड के साथ रेड पे जाओगे तो आपको उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसकी जगह आप मेरे साथ मेरे स्क्वाड में जा सकते हो, और मैं ऑलरेडी आपके साथ एक स्क्वाड में जा चुका हूँ, तो आप मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हो। ये कहता है कि पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये फिर यहाँ पे ऐसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिससे देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है, और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। अगर आप इसका लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दे तो 200 लाइक्स का, मुझे पता है आप सब ये लोग कर सकते हो, पर अगर ना भी करो तो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, और जल्दी और दो वीडियो आने वाली है तो उसके लिए वेट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग गाइस।